नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। किडनी पेशेंट बच्चे को जयपुर के एसएम स्वास्थ्य केंद्र ने नहीं किया भर्ती। मथुरा मामला फरक क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद परखम का है, जहां एक बच्चे किडनी पेशेंट है जिसका नाम शिवम महुरिया बाल्मीक पुत्र सोनू महुरिया बाल्मीक बस्ती रेलवे स्टेशन परखम के पास रहते हैं। 6 वर्ष पूर्व शिवम महुरिया के पेट में दर्द हुआ, जब उसके परिवार के लोगों ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया। उसके बाद उसकी दवा उपचार चल रहा था। कुछ समय पहले उसको जयपुर के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र एसएम के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मरीजों से पैसे लेते हैं, आपके पास पैसे हो तो हम भर्ती कर लेंगे। गरीब परिवार होने के कारण सोनू घर ले आया। आज दिनांक 5 जून 2023 को सुबह 10 बजे खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत फरह पहुंचे और ग्राम पंचायत सचिव दीवाना सिंह से मिले तथा संत धर्मदास महाराज ने सचिव को सारी जानकारी दी कि बिना आधार कार्ड के इस बच्चे को जयपुर से निकाल दिया है। सचिव दीवाना सिंह ने तुरंत आधार कार्ड बनाने की प्रतिक्रिया चालू कर दी। पीड़ित बच्चे के पिता सोनू महुरिया बाल्मीक ने बताया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हैं आप? परखम मुस्तफाबाद। तो क्या समस्या है बच्चे को? किडनी पेशेंट है बच्चे। कब से है? सर इसको 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गई। तो आपने इसका ऑपरेशन वगैरह कोई उपचार वगैरह कराया? काफ़ी इलाज कराया सर मैंने। अच्छा, तो आप समस्या आ रही है? अभी जयपुर में ले गया था तो जयपुर में एडमिट नहीं कर रहे। जयपुर में कौन से हॉस्पिटल में ले गए? SMS जे के द्वारा। क्या बोल दिया उन्होंने? बोले यूपी के जो भी बंदे तो यूपी प्लान से उत्तर प्रदेश से तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। अच्छा। बाकी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी मदद बने मेरे लिए तो कुछ करेंगे।